नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाबनी पटनायक। आज की चर्चा की शुरुआत करेंगे जहां पर हरियाणा के रोहतक में शुक्रवार को बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में कई लोग शामिल हुए थे। वहीं बीजेपी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों और कार्यकर्ताओं ने भी इसमें भाग लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा शासनकाल के 9 साल में जो बदलाव आया है उसको उत्साह के रूप में मनाने के लिए देश भर में कार्यक्रम होंगे। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन ने कहा है कि सीएम मनोहर लाल 3-3 दिन तक जिले में जनसभा और जनसंवाद कर रहे हैं। 9 साल की केंद्र सरकार और 9वां साल मनोहर सरकार का, ऐसे में अपने काम के दम पर जनता के बीच में जाकर खड़े हैं। बिना पर्ची और खर्ची के मेरिट पर नौकरी दी गई है। वही कांग्रेस भी चुनाव की तैयारियों में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। बात इनेलो की जाए तो इनेलो भी परिवर्तन यात्रा के जरिए लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश में जुटी है। अब देखना यह होगा कि प्रदेश की जनता का समर्थन बीजेपी की जनसभा को मिलेगा या इनेलो की परिवर्तन यात्रा को। तो 2024 का बिगुल फूक चुका है। आपको बता दें, तमाम पार्टियों द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है, पुरजोर कोशिश चुनाव को लेकर। वो तैयारियां जो है पार्टियों में देखी जा रही है, पूरी तैयारी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। बीजेपी की बात की जाए तो लगातार बैठकों का दौर जारी है, एक के बाद एक बैठक की जा रही है, कार्यकारिणी की बैठक की जा रही है। संभवत जो रणनीति है चुनाव को लेकर बीजेपी द्वारा वो तैयार की जा रही है। तो रणनीतियों को अब धार जो है वो दी जा रही है। और वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की भी अपनी तैयारियां हैं। कांग्रेस द्वारा भी बैठक की जा रही है और लगातार तैयारियां जो है चुनाव को लेकर किया जा रहा है। और वहीं इनेलो की बात की जाए तो इनेलो में भी बैठकों का दौर जारी है। और वहीं इनेलो द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली गई है, जिसके जरिए कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जगह बनाने की कोशिश फिर एक बार इनेलो कर रही है। लेकिन देखना ये महत्वपूर्ण होगा कि जनता का समर्थन किस पार्टी को मिलता है, किसकी कोशिश रंग लाती है, क्योंकि लगातार बीजेपी की बैठक जारी है और एक के बाद एक बैठक किया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मैदान में उतरे हैं और जनता से जनसंपर्क कर, जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों से जुड़ रहे हैं। और वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस की तैयारी भी देखी जा रही है, पुरजोर कोशिश कांग्रेस की तरफ से भी की जा रही है और चुनाव की तैयारियों में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जा रही है। और पार्टियों की तरफ से पुरजोर कोशिश और मेहनत जो है साफ तौर पर देखी जा रही है। चुनाव में बेहद कम समय बाकी है और ऐसे में हर पार्टी की तरफ से जनता को लुभाने की भी कोशिश की जा रही है, जनता के करीब जाने की भी कोशिश की जा रही है। चाहे इनेलो की बात कर ली जाए, बीजेपी की बात कर ली जाए, कांग्रेस की बात कर ली जाए, सभी पार्टी पूरी कोशिश कर रहे हैं। चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जहां पर तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करवा देती हूं। जहां पर सत्यव्रत शास्त्री प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर टीना करमवीर प्रवक्ता कांग्रेस जुड़ चुकी हैं, कृष्ण गुटेल प्रवक्ता इनेलो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सत्यव्रत शास्त्री जी, आपका रुख करूंगी। बीजेपी की तैयारी तो दिख रही है क्योंकि लगातार बैठकों का दौर जारी है, एक के बाद एक बैठक बीजेपी की तरफ से की जा रही है, ऐसे में रणनीति तैयार की जा रही है, बीजेपी कितनी तैयार है? देखिए, बीजेपी तो 24 घंटा 12 महीने कार्यक्रम के नाते, पार्टी के नाते, देश के नाते, जो एक बहुत बड़ा राष्ट्र यज्ञ 2014 से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में चल रहा है, उसमें पार्टी का हर व्यक्ति अपनी आहुति डाल रहा है और उस आहुति को देखकर जनता का मन भी आज से नहीं, पिछले 8-9 साल से कंटिन्यू और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से देश की सेवा करने के लिए आतुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना समर्थन देने के लिए तैयार है। हम परसों प्रदेश के कार्यकारिणी की बैठक में जगाधरी थे, आज एक दिन में पूरे हरियाणा में एक साथ 22 जिलों में जिला कार्यकारिणी की बैठक हो गई और अगले दिन की बता रहा हूं, कल का दिन बीच में छोड़कर 21 तारीख को हमारी हर मंडल की बैठक होगी। हर विधानसभा में 3 से लेकर 4 या 5 मंडल है, उनकी एक ही दिन में 21 तारीख को ये मंडल की बैठकें हो जाएंगी। उसके बाद में शक्ति केंद्र हमारी रचना है, शक्ति केंद्र के कार्यक्रम और वहां कार्यकर्ताओं से बातचीत, बूथ तक बात करने के जो हमारा पन्ना प्रमुख अभियान है, उसको हमारा अभियान का जो गति है, उसके बाद संगठनात्मक दृष्टि से इतनी मजबूत हमारे सामने बैठे मेरे सम्माननीय प्रवक्ता कृष्ण कुटिल जी लगाएं,
और चाहे कांग्रेस का आज प्रतिनिधित्व कर रहे सेना कर्मवीर जी करे, इनके पास इतनी मजबूत सशक्त टीम न थी कभी पूर्ण है। संख्या व्यक्तियों की हो जाती है कई बार, लेकिन एक व्यवस्था के तहत चलने वाला, एक पद लेकर, एक जिम्मेवारी लेकर, जिम्मेवारी देकर और जिम्मेवारी लेकर काम करने वालों की इतनी बड़ी संख्या हरियाणा में किसी पार्टी ने आज तक खड़ी नहीं की। ठीक है, ठीक है सत्यव्रत जी, लौटूंगे आपके पास। डॉक्टर टीना हमारे साथ लगातार बनी हुई है। डॉक्टर टीना आपका रुख करूंगी, कांग्रेस भी अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं कर्नाटक चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस को भी बल मिलता हुआ दिखा है, कांग्रेस कितनी तैयार है? कि हिमाचल की जीत के बाद कल देखिए कर्नाटक में जिस तरीके से शपथ ग्रहण जो हो रहा है, ये ऐतिहासिक जीत क्यों हुई है? क्योंकि ये संगठन की मजबूती रही है इसी वजह से। तो जो अभी भाजपा के साथी जो बोल रहे थे प्रवक्ता, इनको ये नहीं पता है कि संगठन की मजबूती हो तभी तो जीत रहे हैं ना हम। अब आप मुझे ये बताइए, मोदी जी के संरक्षण में ये चुनाव में हर वक्त कहते हैं कि हम चुनावी मोड में रहते हैं, तो कर्नाटक में जीत मोदी जी की थी या फिर जेपी नड्डा जी की थी या फिर कहें चाणक्य की थी? जहां जहां भाजपा हारती है वहां पर तो अध्यक्ष की तस्वीर लगा दी जाती है, चाहे वो हिमाचल हो चाहे वो कर्नाटक हो, फिर भी ये गुणगान करते रहते हैं मोदी जी मोदी जी। मोदी मैजिक फेल हो गया है, और अब जो आपके सीएम है उनका मैजिक भी फेल हो गया है। क्यों फेल हो गया है? जनता ने इनको क्यों ऐसे स्वीकार किया है? इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे क्या कारण है? आप देखिए कि जनसंवाद में किस तरीके से एक महिला ने अपना दुपट्टा उतार कर रख दिया इनके कदमों में। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, शर्म आनी चाहिए इनको कि एक एक महिला की आप बात तक नहीं सुन सकते। एक विधवा महिला जो है वो आपसे आपके आपकी आपकी जनसंवाद में जो एक तरीके से टोकनिज्म है, टोकनिज्म के नाम पर वो आकर आपके आपसे अपनी अपना दुख दर्द शेयर कर रही है, अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही है, तो आप उसको सुन ही नहीं रहे, आप उनको नकार रहे हैं। वही काम आपके देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, वो भी सिर्फ मन की बात करते हैं। अगर जन की बात करते तो शायद आज आपके प्रदेश के स्पोर्ट्स खिलाड़ी जिन्होंने देश का नाम रोशन किया आज वो जंतर मंतर पर नहीं बैठे होते। और दूसरी बात तो मुझे अब बोलते हुए भी बहुत खेद हो रहा है कि इनके इनके जो सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं। इनके ब्रजभूषण सांसद कह रहे हैं कि मेडल तो 15 रुपए का आता है, अगर लौटाना है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया को तो पैसे लौटाइए। कितने शर्म की बात है, मतलब इन भाजपा जहां जहां भाजपा की सरकार है वहां पर इस तरीके की तानाशाही है। वहां पर एक तरफ जहां खिलाड़ी जीत कर आते हैं तब तो ये बहुत जल्दी तस्वीरें खिंचाने के लिए कह देते हैं, जो कि मैं प्रधानमंत्री को कोट कर रही हूँ याद रखना, वो उनको कहते हैं कि मेरी बेटी है, और क्योंकि उनको अपना अपना भी तो प्रचार करना है ना किसी ना किसी तरीके से, वो मोदी मैजिक फेल हो जाएगा वरना, तब तो बेटी कह देंगे, आज बेटी नहीं सुन रहे हैं और इधर उधर चुनावों में घूमते रहते हैं। अब इनकी मैं एक बात सच्चाई मैं देश के सामने आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जहां जहां चुनाव होते हैं इनका इनका पूरा जत्था जो है मंत्री विधायक सारे चुनाव क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। काम कौन करेगा भैया ये भी बताओ, प्रदेश में आपको बैठाया है आपका काम कौन करेगा इस प्रदेश का? इस प्रदेश में आपको बैठाया है मंत्री इनके घूमते रहते हैं चुनाव प्रचार में, जहां फिर भी इनकी हार होती है, चाहे वो भाजपा चाहे वो अभी आम चुनाव की बात करें, उपचुनाव की बात करें, पंजाब में भी हार गए, कर्नाटक में भी हार गए, लेकिन इनके मंत्री सारे वहां बैठेंगे जहां चुनाव हो रहा हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो वो भी चुनाव प्रचार में व्यस्त रहता है। इनको केंद्र में बिठाया किस लिए था? इन्होंने भी इनको तो विकास करने के लिए। और दूसरी बात मैं अभी इसको ऐड करना चाहती हूँ, ये बहुत बोल रहे थे कि 2000 का नोट, नोटबंदी, जीएसटी, नोटबंदी, हम काला धन वापस लाएंगे। आज आपने अभी थोड़ी देर पहले ही खबर आ रही है 2000 का नोट बंद कर दिया, नैनो चिप थी ना उसके अंदर, तो वो बंद क्यों कर दी? इसका जवाब दीजिए। ये कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि इनके पास कोई ना रणनीति है ना कोई काम है। इसी वजह से हरियाणा में 2024 में आप देखिए कि किस तरीके से इनको इस तरीके से जनता जो है खदेड़ देगी, जैसे कर्नाटक की जनता ने इनको भाग फेंक दिया है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है बोलते हुए कि हम एक ऐसी ऐतिहासिक जीत और मैं एक ऐसी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ जो कि विकास की बात करती है, जुमलेबाजी नहीं करती। ठीक है डॉक्टर टीना, लौटूंगे आपके पास। कृष्ण गुटे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, कृष्ण जी आपका रुख करूंगी, क्योंकि अब परिवर्तन यात्रा जो इनेलो की तरफ से लगातार की जा रही है, कि आपको लगता है कि इस यात्रा के जरिए इनेलो जो है लोगों के दिलों में जगह बना पाई है, और तैयारी कितनी इनेलो की इस बार चुनाव को लेकर? देखिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है चुनाव के लिए पूर्ण रूप से तैयार है, और रही बात यात्रा की, यात्रा का जो मेन मकसद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से जो दुखी लोग हैं
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो जनता का जो शोषण किया गया, युवाओं का जो शोषण हुआ, छात्रों का शोषण हुआ, बुजुर्गों को मान सम्मान के अंदर ठेस पहुंची और महिलाओं के जो है कि यौन शोषण के मामले जो है कि मुख्य रूप से सामने आए हैं, तो इन तमाम बातों को लेकर के चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने जो है कि परिवर्तन पद यात्रा जो है कि 24 फरवरी से जो है कि इसको शुरू किया और जो लगभग 11 जिलों को पार करके जो है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है कि वो घूम रही है और 25 सितंबर को जो है कि कुरुक्षेत्र के अंदर जो है कि जगताऊ देवीलाल जी के जन्मदिन के ऊपर जो है कि उसका समापन होगा और देश के तमाम राजनीतिक दल के लोग जो है कि वहां पर इकट्ठा होंगे और एक नई शुरुआत जो है कि 25 सितंबर से जो है कि पूरे देश के अंदर होगी और इस हरियाणा प्रदेश के अंदर जो सरकार होगी वो इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार होगी, इसमें कतई भी जो है कि कोई शक वाली बात नहीं है। रही दूसरी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी 20 से 30 तारीख तक जो अपने कार्यक्रम बनाए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है कि उसने काम किए फील्ड के अंदर जो है कि काम करने का काम किया है, तो लेकिन आज जनता जो पूछ रही है कि जो आपने 2 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, तो 2 लाख युवाओं को रोजगार आपने कहां पर दिया है? दूसरा कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर आपको कोई किसी प्रकार की कमी नहीं मिलेगी, लेकिन दिन प्रतिदिन जो है कि आपकी सरकार के अंदर कहीं पर तो जो है कि आपका नगर निगम का घोटाला होता है, चाहे उसमें स्ट्रीट घोटाला हो, सफाई का घोटाला हो, और आपके तमाम कर्मचारी जो है कि वो दुखी हैं, वो भी आंदोलित हैं और वो भी अपनी मांग पर जो है कि अड़े हुए हैं कि हमारी मांगों को जो है कि वो पूरा किया जाए। ओपीएस की स्कीम है, बुजुर्गों की पेंशन काटने का मामला है और दूसरा जो है कि कहते कि हमारी सरकार के अंदर कोई भी भ्रष्ट अधिकारी नहीं है और ना ही नेता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर अगर किसी नेता को उठा करके देखे वही आपको भ्रष्ट मिलेगा। पहले जो है कि मुख्यमंत्री माननीय मनोहर जो हमारे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी हैं उसके ओएसडी जवाहर यादव के ऊपर भी जो है कि आक्षेप लगे और अभी जो है कि नीरज जो दफ्तुआर है तो उसके ऊपर जो है कि बड़े पैमाने पे जो है कि और दस्तावेज मेरे पास है पूरे के पूरे और जो है कि जो 2016 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे बनी और जो है कि माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का जो है कि वो ओएसडी नियुक्त किए गए और 2022 तक जो है कि बड़े पैमाने पे जो है कि घोटाले हुए हैं और यहाँ पर जो है कि जो नीरज नाम का जो व्यक्ति है जो ओएसडी है मुख्यमंत्री मोदी जी का और यहाँ पर जो है कि उन्होंने एक शक्ति केंद्र बन गया और 24 फरवरी 2022 को यानी उन्होंने एक स्थित लॉजिस्टिक्स नाम से कंपनी का निर्माण किया और उसके जरिए जो है कि लाखों करोड़ों रुपए जो है कि उसने ऐठने का काम किया है और जिसके अंदर 9 एकड़ जमीन जो है कि झज्जर जिले के अंदर लेकर के जो है कि वो गोड़ मोड़ का मामला है, तो उसके ऊपर स्पष्टीकरण दे ये सरकार कि सरकार ने जो है कि आपका जो है कि ओएसडी जो है कि बड़े पैमाने पे जो है कि लूट कसोट की काम कर रहा है, कहीं पर रजिस्ट्री घोटाला है, कहीं पर आपका जो है कि फर्जी आईडी घोटाला है, कहीं पर शराब घोटाला है, कहीं पर दान घोटाला है और कहीं पर जो है कि आपका जो सुरक्षा कार्ड आप बना करके देते हैं, हेल्थ कार्ड जो गरीबों को देते हैं लेकिन अपना इलाज वेदांता के अंदर कराते हैं, गरीबों को ढूंढने का काम करते हैं जहां पर दवाई नहीं होती, डॉक्टर नहीं होते, और दूसरा जो है कि उसके ऊपर जो है कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों को पैनल के ऊपर लेते हैं और जो ठगने का काम करते हैं। और पिछले दिनों करनाल के अंदर भी एक मामला आया, एक आईबी अधिकारी थी ज्योति बोध के नाम से एक बेटी थी, अक्टूबर के अंदर एडमिट हुई करनाल हॉस्पिटल अमरीधारा के अंदर, लेकिन वो बेटी 3 दिन के अंदर ही एक्सपायर हो गई, यानी वहां पर कोई भी स्पेशलिटी के नाम से जो है कि हॉस्पिटल है और बीएमएस डॉक्टर है, अनट्रेंड स्टाफ है, लेकिन प्रॉपर इलाज ना होने की वजह से उस बेटी की मौत हो गई है। नेग्लिजेंसी पाई गई, पैनल से हटाया गया, लेकिन फिर भी आज तक एफआईआर नहीं हुई है क्योंकि इनके सीएमओ जो है सीएमओ मिली भगत करके जो है कि बड़ा कमीशन हटने का काम करते हैं। तो ये तमाम बातें जो है कि आज देखने को मिल रही है, जनता दुखी है और जनता जो है कि इनको सबक सिखाने का काम करेगी 2024 के अंदर, इनकी कतई भी जो है कि नहीं सुनेगी। और इनको याद होना चाहिए जब किसानों के खिलाफ ये काले कानून लेकर के आए हैं तो इनके मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरने नहीं दिया, लेकिन जहां कहीं पर भी इनकी जो सहयोगी पार्टी है जो इनको गालियां देती थी और ये उनको गालियां देती थी,
जैसे कि मान ले दुष्यंत चौटाला जी कहते थे कि हम यमुना पार पहुंचाएंगे, इनका नारा जो था वो पचेत्र पार का था, लेकिन इन दोनों ने नाटक करके फिर सरकार चलाने का काम किया और इस हरियाणा प्रदेश की जनता। ठीक है कृष्ण पटेल जी, लौटेंगे आपके पास। सत्यव्रत शास्त्री जी, दोनों ही विपक्षी पार्टी को सुना आपने। कांग्रेस प्रवक्ता टीना करमवीर जी ने कहा कि बीजेपी को इस बार जनता खदेड़ कर बाहर फेंकेगी, वहीं कृष्ण पटेल जी के भी तमाम आरोप थे, उनका जवाब दे। देखिए छोटा मुंह और बड़ी बात, टीना जी ने जिस हल्के ढंग से हल्की हल्की बातों से नरेंद्र मोदी जी की उस सरकार की बातें की हैं, जिसने इस देश को विश्व की सबसे बड़ी ताकत बना दिया। जब देश ताकत में है तो आदमी कमजोर कैसे हो सकता है? आज देश दुनिया के, अरे सुनिए टीना जी, आप धैर्य रखिए, आप बोले नहीं और मैं आपको बोलने नहीं दूंगा, आप अपनी मर्यादा में, मैं इज्जत करता हूँ, महिलाओं आप मैं, नहीं सर सम्मान देख लिया है आप लोगों का, आप लोगों के पार्टी के नेताओं का सम्मान देखा है आपने, मुझे नहीं चाहिए सम्मान। आप रोकिए अपने को, बाजार में भी नहीं मिलता ये। इसलिए जिस भारत की ताकत के आधार पर नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के 5 देशों के अंदर बीच में खड़ा कर दिया, इस देश में 2014 से पहले जब चीन का नाम आता था तो कप कपी आती थी, इनके पहले प्रधानमंत्री से लेकर इनके आखिरी प्रधानमंत्री तक चीन के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए थे। आज उस चीन की सीमा के तक इस देश के प्रधानमंत्री ने लाखों करोड़ रुपए लगाकर रोड से और वहां ऐसी व्यवस्था कर दी है कि इनसे आगे नहीं बढ़ सकता चीन। वो भी दिन याद था जब इस देश के वीरों ने, विशेषकर हरियाणा के वीरों ने अपने रेजांगला के अंदर अपनी शहादत दी थी, बिना हथियारों के बिना कपड़ों के अपने शहादत दी थी उस चीन को। आज आंख में आंख मिलाकर यदि कोई बात करता है तो भारत करता है। इस देश के अंदर स्थिति के आधार पर इनके लोग, झूठ मत बोलिए सर, इनके लोग जो है वो बड़े बड़े प्रधानमंत्री तक इनको मैसेज नहीं मिलता था और उनको हवाई अड्डे के ऊपर इनकी चेकिंग हो जाती थी। आज दुनिया का कौन सा ऐसा बड़ा राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है जब नरेंद्र मोदी को खड़े होकर अपना फोटो नहीं खिंचवाना चाहता? दुनिया का कौन सा ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम है जब, अरे चुप रहो, के साथ भी खिंचवाई थी फोटो, या आप इनको कंट्रोल करिए, आप नहीं तो आप कंट्रोल करिए, मत करिए, सत्यव्रत जी को बोल लेने दीजिए, मैं आपको भी समय दूंगी जी। सत्यव्रत जी अपनी बात पूरी करें, इतना ही समय, थोड़ा जी। सत्यव्रत जी आप बोलिए, शालीनता शिष्टता सबको बैठे हो। इस देश ने उस गरीब आदमी को अपने सरकार में होने का हक दिया है जो आदमी इनकी ठोकरों पर रहता था। कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई नीतियों का लाभ नहीं मिला? इनके प्रधानमंत्री तो अपनी मजबूरी व्यक्त करते थे, मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूँ, गरीब आदमी तक 2 रुपया पहुंचता है, 98 रुपया कहाँ जाता था? इन्हीं के चमचे खाते थे, इन दुष्टों के लोग खाते थे, जो हक खा के बैठते थे वो 98 रुपया ये लोग खाते थे, और उस 98 रुपए को घर घर तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी ने किया है। इस देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये अपनी आदत से मजबूर है, ये औरत आदत से मजबूर है, ये चुप नहीं रह सकती। ठीक है सत्यव्रत जी, लौटूंगी आपके पास एक बार, डॉक्टर टीना से भी मेरा एक सवाल है। डॉक्टर टीना, क्योंकि आपने इससे पहले ये कहा कि कर्नाटक में संगठन मजबूत था कांग्रेस का और इसी वजह से कहीं ना कहीं जीत मिली है, लेकिन अगर आप संगठन की बात कर रही है तो सबसे बड़ा सवाल प्रदेश, अगर हरियाणा की बात की जाए तो कांग्रेस संगठन पर ही सबसे बड़ा सवाल है, तमाम विपक्षी और सरकार द्वारा भी सवाल किए जा रहे हैं कि संगठन फिलहाल जो है वो कांग्रेस की मजबूत नहीं है। देखिए श्रावणी जी, आप ये देखिए कि ये दोगलापन ठीक नहीं है, इनसे हम दो प्रवक्ताओं ने सवाल बात नहीं पता, लेकिन ये दो दिन की बात नहीं पता, कहां से बताएगी इसको जो नहीं पता, इसको जवाब नहीं पता होता, इनको ये नहीं पता कि संगठन नाम की चीज क्या होती है, कैसे संगठन बनता है। सत्यव्रत जी आपको समय दिया गया था, एक बार डॉक्टर टीना का जवाब सुन लेते हैं, क्या क्या किया जाता है, इनको संगठन नाम की कोई चीज नहीं पता, संगठन कहां बनाएगी? अरे 15 साल से
तुम अब अध्यक्षों को बेइज्जत कर करके उनके घर भेज रहे हो और तुम क्या जनसंघन बनाएंगे और फिर हरियाणा में जीत की। ठीक है सत्यव्रत जी, एक बार टीना जी का जवाब सुन लेते हैं, आपको भी समय दूंगे, आपको समय दिया गया था, एक बार डॉक्टर टीना का जवाब सुन लेते हैं। संगठन के ऊपर मेरा सवाल टीना जी से था, एक बार उनसे जवाब सुन लेते हैं। टीना को क्यों सुने, टीना को क्यों सुने? और यदि मेरा ऑडियो कम कर दिया तो आप, मैं बता रहा हूँ कि चैनल की क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी। मैं इनकी बात को सभ्यता सालिता से सुना लेकिन एक मिनट चुप नहीं रही। आप कैसे अपेक्षा करते हैं कि इनको मैं बोलने दूंगा? जब जनता को सुनने की बात आती है तो ये स्वर बचाते हैं, एक बात जनता के सामने आने नहीं देते। और तुम्हारे पास जो तंत्र है उसे बड़ा तंत्र कार्यकर्ताओं का है, तुम जब बोलना चाहते हो उससे पहले हमारे कार्यकर्ताओं के पास बात चली जाती है और जनता तक उसके शामिल हो जाती है। तुम बात करना चाहते हो, तुम केवल लूट। सभी से का लास्ट कमेंट जान लेते हैं सत्यव्रत जी, क्योंकि देखिए लगातार बैठक की जा रही है बीजेपी द्वारा और ऐसे में चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है, क्या लगता है जनता का समर्थन इस बार फिर एक बार बीजेपी को मिलेगा? को इसलिए मिलेगा कि बीजेपी ने किसी के साथ चीटिंग नहीं की। बीजेपी को इसलिए मिलेगा कि बीजेपी ने अपना 100% काम, जो फील्ड का काम है, कोई घर बैठकर ऐसो आराम नहीं करता। जिस दिन से चुनाव लड़कर परिणाम आता है उस दिन से लेकर अगले चुनाव तक जनता की सेवा में रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन के काल में एक दिन की छुट्टी नहीं ली। उस व्यक्ति के बारे में आलोचना करते हैं आप लोग, तुम्हारा तो तीसरे दिन तो नेता जो विदेशों में यात्रा करके आता है छुट्टियां मना के आता है, और नरेंद्र मोदी पूछिए उनसे भी पूछ लीजिए कुछ, जीवन के अंदर छुट्टी नहीं दी, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, समय है और राजनीतिक दल। ठीक है सत्यव्रत जी, आलोचना आपके पास। डॉक्टर टीना आपसे भी यही सवाल है कि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी और ऐसे में क्या लगता है कि क्या जनता का समर्थन कांग्रेस को मिलेगा और मिलेगा तो क्यों? देखिए दो प्रवक्ताओं ने सवाल पूछे शास्त्री जी से, एक का भी जवाब नहीं दे पाए क्योंकि ये ऐसे ही गोलमोल करते हैं। और ये एक बात मैं ऐड करना चाहती हूँ, ये इतने देखिए कितना एक समय में मैं डिबेट करती थी तो बोलते थे ये लड़की तो बोलती नहीं है, ये तो कम उम्र की है, ये तो कम उम्र की है, यही लाइन होती थी इनकी, इसी लाइन से ये पूरी डिबेट निकाल देते थे कम उम्र की है। आज जब हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं तो ये चुप करा रहे हैं, हमसे ये चुप कर इनकी ये है हमारी पार्टी। डॉक्टर टीना को अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए, देखिए एक एक करके बात करते क्योंकि किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी अगर एक साथ बात की। कैसे 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 बिलबिला रहे हैं ना, देखिए ये होता है महिलाओं की आवाज को दबाना ना, ये बोलने देते हैं ये क्या बोल रहे हैं, देखिए राजनीति में काम करते हो गया नहीं अपनी तो आप अपनी उम्र का मेरे पर दिखाएंगे, ये सारे है कोई मेरे ऊपर, आप हो गए होंगे राजनीति में, मैं क्या करूँ इसमें। ठीक है कृष्ण पटेल जी लगातार हमारे साथ बने हुए, कृष्ण पटेल जी इनेलो के बारे में भी यही सवाल है कि इनेलो कितनी तैयार है और अगर जनता का समर्थन इनेलो को मिलता है तो वो क्यों दिया जाएगा? जेके जनता का समर्थन जो है कि आज की डेट के अंदर जो है कि वो इंडियन नेशनल दल को मिल रहा है और दूसरी पार्टियों के लोग जो है कि छोड़ करके इंडियन नेशनल दल के अंदर अपनी आस्था को जता रहे हैं और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा जो सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम जो चलाए गए हैं, आज जो है कि इंडियन नेशनल दल की ओर से जो है कि पद यात्रा है जो है कि जनता के दरबार पर जो है कि वो जा रही है, जहां जहां पर चौधरी देवीलाल जी ने अपने कदम रखे, जहां जहां पर चौधरी देवीलाल जी रुके और अपने जब यात्रा उन्होंने शुरू किया था और जहां जहां पर जो है कि उन्होंने दोपहर का लंच वगैरह जो लिया है, आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है कि वहां पर जो है कि जाने का काम कर रही है ताकि जो है कि जनता को जो है कि जागरूक किया जाए, क्योंकि तानाशाही सरकार से जो है कि इस हरियाणा प्रदेश को मुक्ति मिले। और जैसा चौधरी देवीलाल जी ने 1959 के अंदर जब कांग्रेस का आतंक था, कांग्रेस की तानाशाही थी, उसके कांग्रेस के तानाशाही रवैये को ध्वस्त करने के लिए जो है कि इस पूरे देश के अंदर गठजोड़ बनाया जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की जो है कि वो तानाशाह रवैया है, उसके तानाशाही रवैये को कुचलने के लिए जो है कि आज बड़े पैमाने पे जो है कि गठजोड़ तैयार करके जो है कि सत्ता के सत्ता से जो है कि उसको विमुख करना है, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी जो है जनता की सेवा ना करके वो सत्ता पक्ष की जो है लड़ाई। ठीक है ठीक है कृष्ण पटेल जी, समय की कमी के वजह से मैं रोकना चाहूंगी यहाँ पर, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सत्यव्रत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीना हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और 2024 चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां रण पर उतर चुकी है और ऐसे में तैयारियां जो है तमाम पार्टियों द्वारा की जा रही है, लेकिन अभी भी महत्वपूर्ण सवाल वही है कि जनता का समर्थन किसे मिलता है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतने, देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।